नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर वो जो है आपके लिए जरूरी, ना कि हमारे लिए। भारत के दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार रहे अनिल अंबानी की हालत बहुत गंभीर है। जी हाँ, उन्हें अपने वकीलों की फीस अपने घर के गहनों को बेचकर देनी पड़ रही है। चीनी बैंकों ने उनके खिलाफ केस किया है। यूके में यह केस चल रहा है, जहां पर उन्होंने बताया कि मेरी हालत बहुत ही खराब है, और उन्होंने यह भी बताया कि उनका खर्चा खुद उनका परिवार उठा रहा है। बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी हैं। मायावती ने ऐलान किया है कि वह लोक समता पार्टी को सपोर्ट करेगी, उनके साथ गठबंधन में वहां पर चुनाव लड़ेंगी, और उपेंद्र कुशवाहा उनके दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। चीन के विदेश मंत्रालय के वांग वेंगिन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख की स्थापना अवैध तरीके से की है। वह लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो वहीं भारत ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चीन के जितने दावे हैं हम उसको खारिज करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ डेंगू की एंटीबॉडी कारगर साबित हो रही है। जी हाँ, जिनको डेंगू हो चुका है उनके लिए कोरोना वायरस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्विल निकोलेसिस ने यह दावा किया है कि पिछले सालों में, पिछले गत वर्षों में 2019-2020 में जिन देशों में डेंगू का संक्रमण ज्यादा था, वहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण उतना प्रभावी नहीं रहा। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो अब 10 लाख के करीब पहुंचने वाली है। तो वहीं चिंता की बात यह है कि बीते शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है अगर वैश्विक स्तर पर इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज का मुद्दा बहुत ही जरूरी मुद्दा। जी हाँ, तारीख पे तारीख। मैं कोई फिल्म का डायलॉग नहीं मार रहा, मैं बता रहा हूं कि भारत की निचली अदालतों में 3,47,22,175 ऐसे मुकदमे हैं जो लंबित चल रहे हैं, जिनमें से 86,777 केसेज ऐसे हैं जो लगभग 30 वर्षों से लगातार लंबित चल रहे हैं। तो वहीं अगर बीते 10 वर्षों की बात करें तो 28,23,556 केसेज हैं जो लंबित चल रहे हैं। कुछ केसेज में न्याय की आस लगाए बैठे लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि न्याय व्यवस्था पे कुछ काम किया जाए, लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिल जाए, कम से कम उनके जिंदा रहते तक तो मिल ही जाना चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही, और आज की खबर में भी बस इतना ही। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। एक बात और, टीएनएस आपके लिए लेकर आ रहा है पत्रकार बनने का मौका। जी हाँ, आप पत्रकार बन सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपके आसपास अगर कोई भी ऐसी घटना अच्छी या बुरी, गलत या सही लग रही है तो आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्कार।